नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल GK24 नॉलेज पर। दोस्तों कैसे हो, सभी अच्छे होंगे। दोस्तों कितनी शानदार बात कही है, सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तल से ही शुरुआत करनी पड़ती है। अर्थात दोस्तों हमें जो है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो है शुरुआत एक छोटा लेवल से और बेस से ही करनी पड़ती है, जब ही हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाते हैं। दोस्तों ऐसी शुरुआत जो है आज हम करने वाले हैं। आज से दोस्तों मैं आपको जो है हरियाणा करंट अफेयर दिल्ली और दिल्ली की जो है इंडिया और बाहर की जो है आपको दिल्ली करंट अफेयर करवाऊंगा इस वीडियो में। आपको वीडियो दोस्तों कोशिश करूंगा सुबह सुबह आपको ये वीडियो जो है अपलोड कर दूं और आपको मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर के जो दिल्ली के जो करंट अफेयर हो के क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे, और इसके साथ साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल जो जीके होगी करंट अफेयर होगी उसको भी हम इस वीडियो के द्वारा कवर करेंगे। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी ने उसका जवाब देना है नीचे कॉमेंट के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी दो कमेंट आ रहे थे, कह रहे थे सर इंडिया की भी डेली करंट अफेयर की वीडियो जो है आप शुरू करो, तो उसी बात को मैंने गौर किया और मैंने ये शुरुआत कर दी है। इसके इसके अंदर दोस्तों मैं आप सभी को जो है हरियाणा करंट अफेयर और डेली इंडिया करंट अफेयर भी करवाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर का। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आर्ट एवं क्राफ्ट मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, कुरुक्षेत्र में, और इसके अंदर जो भागीदार राज्य होगा तेलंगाना होगा। इससे पहले दोस्तों जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये अच्छी शुरुआत है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और उनको भी जानकारी मिले। तो दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भामा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक पद पर चयन हुए दीपक का संबंध किस जिले से है? दोस्तों जो भामा अनुसंधान केंद्र है उसके अंदर वैज्ञानिक पद पर चयन हुआ है दीपक का, ये जींद के मुआना गांव से है। कौन से गांव से? मुआना गांव से। नंबर तीन, इंडोनेशिया में होने वाली आगामी एशियाई खेलों के लिए नौकायन रोइंग की भारतीय टीम में किसका चयन हुआ है जो हरियाणा से है? दोस्तों ये हुआ है अनु चहल का जो जींद जिले से है। नंबर चार क्वेश्चन, दोस्तों कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर तिरुमला तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट की तरफ से किस मंदिर का निर्माण किया है जिससे कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व धार्मिक केंद्र के रूप में एक नई पहचान मिलेगी? दोस्तों ये क्या है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर का, जो आंध्र प्रदेश की तर्ज पर होगा। और दोस्तों किस ट्रस्ट ने किया है? तिरुमला तिरुपति देव स्थान ट्रस्ट ने जो है इसका निर्माण किया है कुरुक्षेत्र के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दोस्तों नंबर पांच, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य करने पर किस राज्य को आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है हरियाणा को। हरियाणा में जो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर है दोस्तों वह 126 से घटकर 101 हो गई है, इसलिए जो है यह अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों जो राष्ट्रीय औसत जो है गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर की वह 130 है। दोस्तों आज का जो है आपके लिए एक सवाल है, प्रश्न जो जिसका जवाब सभी ने जो है कमेंट में जरूर देना है कि पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायाधीश किसे बनाया गया, जो अभी बनाया गया है। दोस्तों सभी ने जो है इसका जवाब देना है कमेंट के अंदर। दोस्तों अब करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल की डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो काफी आपके लिए। जो नंबर एक, ICC में शामिल होने वाले पांचवें भारतीय कौन बने? दोस्तों ये बने हैं राहुल द्रविड़, इससे पहले अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी और कपिल देव को जो है ICC हॉल ऑफ फेम मिल चुका है। और ICC का जो CEO है दोस्तों वह है डेविड रिचर्डसन है, और इसका मुख्यालय दुबई में है। नंबर दो, मलेशिया ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों यह खिताब जीता है मलेशिया के ली चोंग वी ने।
ठीक है, मलेशिया के है ही है ये ली चोंग वी। नंबर तीन, कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे गरीब जनसंख्या वाला देश बन गया है? दोस्तों ये बन गया है नाइजीरिया, जिसने भारत को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का सबसे गरीब जनसंख्या वाला देश बन गया है। नंबर चार, किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों यह की है महाराष्ट्र ने। कौन सी योजना? कन्या वन समृद्धि योजना। नंबर पांच दोस्तों, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 किसने जीती? दोस्तों यह जीती है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर, और इसका आयोजन जो है नीदरलैंड के ब्रेडा में हुआ था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर विजय प्राप्त की है। नंबर छह, हाल ही में प्रथम डेल्टा रैंकिंग किसने जारी की? दोस्तों यह जारी की है नीति आयोग ने, और जिस रैंकिंग में जो है प्रथम स्थान गुजरात के दाहोद जिले ने मिला है, और ये डेल्टा रैंकिंग के अंदर नीति आयोग ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वित्तीय समावेश, जल, कौशल विकास आदि जो आंकड़ों के हिसाब से जो है इस रैंकिंग को निकाला है। नंबर सात, ISSF जूनियर विश्व कप 2018 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों इसका आयोजन जर्मनी के सोहल में किया गया था, जहां पर जो है प्रथम स्थान भारत ने मिला है 26 पदकों के साथ, जिसमें 15 गोल्ड, 2 कांस्य, 9 रजत पदक जीते हैं। और दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा है चीन, जिसने 21 पदक जीते। नंबर आठ क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का वाणिज्य दूतावास भारत में किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों यह किया जाएगा हैदराबाद में किया जाएगा, तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों। नंबर नौ, भारत के किन स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? दोस्तों यह किया गया है मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है आगामी परीक्षाओं में। नंबर दस, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन का चीफ किसे चुना गया है? दोस्तों यह चुना गया है जनार्दन सिंह गहलोत को। किसे चुना गया है? जनार्दन सिंह गहलोत को। दोस्तों ये थे हमारे हरियाणा और नेशनल इंटरनेशनल की करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही जो है मैं डेली जो है आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।